हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक टेक्निकली रा। आज की वीडियो में हम एमएस वर्ड के कुछ और फीचर्स के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र, देखिए अगर आप न्यू हैं और आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं और उस टेक्स्ट पर आप कमांड्स को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको पहले तो टाइप करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा बिकॉज़ यू आर ए बिगनर, टाइपिंग स्पीड ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए एमएस वर्ड ने हमें एक बहुत अच्छी कमांड दी है जिसकी हेल्प से हम टेक्स्ट ऑलरेडी उसमें बिल्ट इन होता है उसको आप रैंडमली टाइप कर सकते हैं। आप लिखेंगे इक्वल टू रैंड कमांड देन ब्रैकेट, जितने आप पैराग्राफ्स और उसकी लाइंस देना चाहो दे सकते हैं, देन आफ्टर डैट ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए उसके अकॉर्डिंग मेरी लाइंस आ गई। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, यहाँ मैंने 4 पैराग्राफ्स और 6 लाइंस ले ली, उसके अकॉर्डिंग आ गया। देन आप इट टेक्स्ट के ऊपर कोई भी मॉडिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। सो ये थी हमारी फर्स्ट कमांड जिसमें हम ऑलरेडी टेक्स्ट बिल्ट इन होता है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमें एमएस वर्ड में कोई भी कैलकुलेशन करनी है, यहाँ से हम कैलकुलेटर में कैलकुलेशंस कर सकते हैं, वैसे ही हम एमएस वर्ड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपने लैपटॉप का डेस्कटॉप का कैलकुलेटर यूज़ करना चाहो, उसकी शॉर्टकट कमांड है विंडो आर4 रन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कैल्क, कैल्क लिख के आपका यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। जो भी आप यहाँ पर कैलकुलेशन करना चाहो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, देन उस पर ऑपरेशंस फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल ये तो था मेरा इसका बिल्ट इन कैलकुलेटर, बट मैं चाहता हूँ कि एमएस वर्ड में ही काम कर रहा हूँ, क्यों ना इसका ही कोई ऐसा फीचर यूज़ करूँ जिसकी हेल्प से मैं अपने कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट कर सकूँ। तो उसके लिए अगर आपने यहाँ कोई भी कैलकुलेशन करनी है, सबसे पहले आप कर्सर वहाँ लेकर आएंगे, देन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल F9। इन दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप इक्वल टू सिंबल यूज़ करेंगे, देन जो भी आपने कैलकुलेशन करनी है वो लिख देंगे, देन आफ्टर डैट F9 से इसको रन करेंगे। एंटर किया, अगेन कंट्रोल F9, मैं एक सिंपल सी कैलकुलेशन बता रहा हूँ इजी, जिसका रिजल्ट भी आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2, नियर अबाउट मेरा 20 ही आंसर आएगा। F9 किया, देन मैंने यहाँ पर F9 प्रेस किया, नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इक्वल टू यूज़ नहीं किया, इसलिए कभी भी आपने इसमें एग्जीक्यूशन करनी है फॉर्मूलाज की, उसके लिए आप इक्वल टू सिंबल यूज़ करेंगे। ये देखिए F9 किया, मेरा 20 आंसर आ गया। नाउ ये तो था मेरा इंडायरेक्ट मेथड। अब मैं कोई ऐसा मेथड यूज़ करूँगा जिसकी हेल्प से जस्ट मैं वैल्यूज लिखूँ, उसको सेलेक्ट करूँ और मेरा रिजल्ट आ जाए, उसको हम बोलते हैं कैलकुलेट ऑप्शन। अब देखिए उसको मैंने सेलेक्ट किया, ये बटन पर क्लिक किया, ये देखिए मेरा 96 आंसर आ गया। लेकिन ये बटन मैं लाऊंगा कहाँ से, ये कमांड कहाँ से एग्जीक्यूट करूंगा, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है। अगर तो मैं ऑफिस 2007 यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ गोल बटन बना है जिसको ऑफिस बटन कहते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ पर आएगा वर्ड ऑप्शन, क्लिक करेंगे उसके अंदर आप कहाँ जाएंगे वो आपको बता रहा हूँ। फिलहाल मैं ऑफिस का वर्जन 2016 यूज़ कर रहा हूँ, उसमें यहाँ टूल्स को काफ़ी मॉडिफाई कर दिया है, फाइल ऑप्शन कन्वर्ट कर दिया है, एंड फाइल के बाद ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस के बाद आप जाएंगे क्विक एक्सेस टूल बार में। अब देखिए आप यहाँ से ये जो मेरा टॉप पे कमांड्स शो कर रहा है, ये 5-6 कमांड्स, इसको ये कमांड्स पर्टिकुलर एक बॉक्स में सेट होती हैं जिसको बोलते हैं रिबन। यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा कमांड्स नॉट इन द रिबन, सी प्रेस करूँगा, जो कमांड हम इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के ये यूज़ करेंगे उसका नाम कैलकुलेट है। सो यहाँ से मैंने कैलकुलेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर ऐड करेंगे। फिलहाल पहले से आपको बता दो रिमूव भी कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से रिमूव कर देंगे, ऐड करना है कोई भी कमांड को सेलेक्ट करें, ऐड कर दें, ये देखिए यहाँ पर आ गई, देन ओके, यहाँ देखिए इंसर्ट हो जाएगी। अब देखिए बाय डिफॉल्ट आप नंबर्स लिखते हो ना यहाँ पर, तो ये मेरा एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करता है, बट प्रॉब्लम आ गई, मुझे डिवाइड भी चाहिए, देन सॉन चाहिए, उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल वैल्यूज लिख देंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, मुझे पता है इसका आंसर 70 आएगा, क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर मेरा 70 आंसर आ गया। आप जस्ट उस सिंबल को लगा देंगे और उस सिंबल की हेल्प से वो वाला मेरा जो भी ऑपरेशन मैं एग्जीक्यूट करूँगा वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। सो ये था हमारा हाउ टू डू कैलकुलेशंस इन एमएस वर्ड। नेक्स्ट कमांड हम जो करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार हम वर्क करते हैं, वर्क में हमें कई बार पेज नंबर का देन डेट का टाइम का इंसर्ट करने के लिए लिखना पड़ता है, बट हम कोई ऐसी कमांड यूज़ करेंगे शॉर्टकट कमांड जिसकी हेल्प से मैं एमएस वर्ड में डेट टाइम और पेज नंबर इंसर्ट कर सकूँ। तो डेट को इंसर्ट करने के लिए आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट शिफ्ट देन टाइम से टाइम आएगा, ऑल्ट शिफ्ट डी से डेट आएगी, ऑल्ट शिफ्ट पी से पेज नंबर आएगा, ऐसे आप इंसर्ट कर सकते हैं।
और ये ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं जब आप बार बार इसको क्लिक करोगे। अब मैं फिर से, अब देखिए 5:20 हुए हैं, अगर मैं 10 मिनट बाद फिर इसको ऑल्ट शिफ्ट टी करूँगा, अगर तब 10 मिनट बाद 5:30 हो जाएंगे, यहाँ पर 5:30 आएगा। सो ये बहुत ही अच्छी कमांड्स हैं, इनको यूज़ करिए, काफ़ी यूज़फुल हैं। नेक्स्ट, एक और बहुत अच्छी कमांड है, अब देखिए यहाँ पर आपने टेक्स्ट लिख लिया है और आप टेक्स्ट में एक पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो। देखिए इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, मैं इंसर्ट में चला गया, पिक्चर्स में चला गया। अब मैं बैकएंड से कोई पिक्चर अपनी यहाँ फाइल में इंसर्ट करना चाहता हूँ, उसके बाद जो मेरी पिक्चर पड़ी है डेस्कटॉप पे पड़ी है, डेस्कटॉप पे चला गया, ये मेरी पिक्चर, उसको क्लिक करके मैंने इंसर्ट कर दिया। देखिए जब भी आप पिक्चर को इंसर्ट करते हैं, पहले तो ये हैंडल से आप पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये जो हैंडल्स दिए गए हैं इनको हैंडल्स बोलते हैं, ये जो राउंड राउंड ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, मैं पेज को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, कंट्रोल स्क्रॉल से आप पेज का साइज छोटा कर सकते हैं। अब देखिए पिक्चर मेरी मूव नहीं हो रही, मूव होगी भी तो मेरा टेक्स्ट नीचे मूव कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट के साथ साथ ये पिक्चर मूव हो और एडजस्टमेंट इसकी इजीली हो जाए, उसके लिए मैं जाऊँगा फॉर्मेट में, टेक्स्ट रैपिंग यहाँ पर कर दूंगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब देखिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट के साथ ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा मेरा, पिक्चर मेरी फ्रीली मूव कर रही है। अगर आप टेक्स्ट रैपिंग में थ्रू कर दोगे तो देखिए उसके बीच में मेरी पिक्चर एडजस्ट हो रही है, मिंटू से ये जो टेक्स्ट है मेरा यहाँ तक जा रहा है। थोड़ा जूम कर लेते हैं अब, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके आईडी कार्ड होते हैं, आईडी कार्ड के सामने देखिए नेम, देन डेजिग्नेशन, देन डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट, देन ब्लड ग्रुप, सो मैनी ऑप्शन होते हैं, वैसे ही ये मेरी पिक्चर यहाँ पर एडजस्ट होगी, आप इसको कर सकते हो। ये मेरी लाइन ऐसे चल रही है दिस मंथ, ये नहीं है कि वहाँ से लाइन सीधी चल रही है, वहाँ से कट गई, बैक से आ रही है, दिस मंथ चल रही है। जब भी आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, फॉर्मेट जो मेरा टैब है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है और वहाँ से आप अपनी सारी मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। इसके रिलेटेड हमने एक प्रीवियस वीडियो डाली है जिसमें सारे पिक्चर टूल्स के बारे में आपको समझाया है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग एमएस वर्ड के ऐसे टूल्स जो हमें पता होने चाहिए और जिनकी हेल्प से मैं अपना काम ईजी कर सकता हूँ। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, सो डैट जो भी इसमें नई वीडियोज़ आने वाली हैं आप उनको देख सको और अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसको डिस्कस कर सको। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।